गुड इवनिंग हिमाचल। ऊना जिला के महतपुर बॉर्डर पर अन्य राज्यों में रहने वाले हिमाचल के लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये लोग जिन बाहरी राज्यों में रहते हैं वहाँ के जिला प्रशासन से एंट्री पास लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लोग उनके घरों तक पहुँचने के लिए आतुर हैं, लेकिन बिना चेकअप के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पा रही। रविवार को महतपुर बॉर्डर पर करीब 1 किलोमीटर तक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं यहां पर वाहनों की भी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि यहां पर लोगों का चेकअप करने के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी तैनात हैं, वहीं पुलिस कर्मी भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, पानपुर जाना है मेरे को, और जैसे पास की सुविधा हमें उपलब्ध हुई थी तो पास की सुविधा HP सरकार ने प्रोवाइड करवाई थी, तो वही बैलेट पास लेके आए हम आए हैं। यहाँ पर प्रशासन ने जिस तरह से बताया है कि यहाँ पर टेस्ट होंगे, फिर आपको वो टेस्ट करके आपको आगे जाने की अनुमति देंगे, तो वही हम आगे जाएंगे। और प्रशासन ने जैसे बताया 28 दिन का क्वारंटाइन डे का टाइम है, तो वो हमें आगे जाके घर में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, तो वही हम फॉलो करेंगे और वही हम फॉलो कर रहे हैं। मैं मोहाली से आ रहा हूँ, मैं देरा के लिए जा रहा था यहाँ से। तो क्या कुछ पास आपने लिया और क्या आगे दिशा निर्देश आपको दिए गए? अभी हमने कल रात को ही पास हमें ऑनलाइन जो अप्लाई किया था हमने वो मिल गया था। अब आगे यहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद 28 दिन के लिए वो होम क्वारंटाइन पे रखेंगे, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से जा रहे हैं। सर, अब प्रशासन की अनुमति अलाउ करने के उपरांत जो है, जो भी लोग आउट ऑफ स्टेट से पास होल्डर या बिना पास के जो भी लोग आ रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण जो इंटरस्टेट बैरियर है वहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो पहले से यहाँ पर डिप्यूट की हुई है, उनसे मेडिकल स्क्रीनिंग, जो मेडिकल चेकअप या प्रॉपर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, और जो लोग पास होल्डर लोग हैं उनकी प्रॉपर यहाँ पर एंट्री करके मेडिकल चेकअप करके उनको आगे भेजा जा रहा है। और जो लोग डिस्ट्रिक्ट ऊना के रहने वाले हैं, ऊना के ही रहने वाले जो पास होल्डर हैं या पास होल्डर जो लोग हैं ऊना के रहने वाले हैं, उनको जो है 149 CRPC का नोटिस देकर 28 डेज होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस कर रहे हैं। और जो लोग विदाउट पास होल्डर पर्सन हैं उनको मेडिकल चेकअप कराने के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सुजानपुर ब्यास पुल पर कोरोना महामारी के चलते जो नाका लगाया गया है, रविवार दोपहर करीब 2 बजे वहां लैंडस्लाइड हुआ। हादसे के वक्त खुद थाना प्रभारी गश्त पर थे। जैसे ही थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री एवं अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो एकाएक उनकी गाड़ी के आगे खड़ी पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए। लैंडस्लाइड के दौरान थाना प्रभारी और उनके साथ आई टीम तो बाल बाल बच गई, लेकिन नाके पर तैनात एक कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार बुरी तरह घायल हुआ। इसके बाद उसे सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि जिस स्थान पर लैंडस्लाइड हुई है वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग करवा दी गई है। कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेते समय वक्त की बचत के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए बल के 5 युवा इंजीनियर्स ने बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर एक सैंपल कलेक्शन बूथ का निर्माण किया है। बलह घाटी के चंडियाल और आसपास के क्षेत्रों के ये युवा इंजीनियर अब इस सैंपल कलेक्शन बूथ को श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक प्रशासन को डोनेट करेंगे। सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर चुके चंद्रेश सैनी, विवेक महाजन, अक्षय सैनी, गौरव सैनी और आंचल सैनी ने अपने दोस्तों रोहित शर्मा और उमेश सैनी के सहयोग से ये सैंपल कलेक्शन बूथ तैयार किया है। इससे पहले ये युवा सैनिटाइजेशन चैम्बर भी बना चुके हैं।
इस प्रोजेक्ट के बाद अब वे वेंटिलेटर मशीन के ऊपर कार्य शुरू करेंगे। इन पांचों इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए सैंपल कलेक्शन बूथ में पूरी पीपीई किट के बिना और बिना सहयोगी के भी सैंपल लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक महाजन है। मैं आपको जो है अपने सैंपल कलेक्शन चैम्बर की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो हमने जो है सबसे पहले सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया। हमारी प्रेरणा वहीं से स्टार्ट हुई। ये हमने फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, जितना भी स्टाफ है, पुलिस लाइन वगैरह एक्सेट्रा, सबके लिए बनाया। उसके बाद जो है हमारा, हमने देखा कि डॉक्टर को कैसे सेफ रखा जा सके, तो डॉक्टर्स के लिए हमने जो है ये सैंपल कलेक्शन चैम्बर बनाया। इसकी प्रेरणा हमें वहीं से मिली जहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अचल सैनी है। मैं आपको इसके सैंपल कलेक्शन चैम्बर के फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें हमने दो रबर ग्लव्स दिए हुए हैं ताकि डॉक्टर इजीली पेशेंट का सैंपल ले सके। उसके ऊपर हमने एक फॉगर लगाया हुआ है ताकि वो इजीली पेशेंट और ग्लव्स को सैनिटाइज कर सके। फॉगर को कनेक्शन टंकी से दिया गया है जिसमें हम सैनिटाइजर स्टोर करके रखेंगे, और अंदर हमने चेंबर के अंदर हमने लाइटिंग की सुविधा दी हुई है ताकि वो पेशेंट का, डॉक्टर पेशेंट का थ्रोट भी चेक कर सके, और ऊपर स्पीकर दिया हुआ है जिससे माइक से डॉक्टर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे सके। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय सैनी है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मैं इसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें हमने एक्चुअली, आप देख सकते हैं कि एक स्प्रे पंप का यूज किया हुआ है, ये सैनिटाइजेशन के लिए यूज करा हुआ है। इसी में पूरा जो भी बैटरी वगैरह निकाल के हमने इसको पूरा डायरेक्ट करके जो है सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए डीसी सप्लाई हमने खुद बनाई हुई है, तो इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करने देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सप्लाई दी हुई है, ये 2 एम्पीयर के सप्लाई है जो कि हमें 12 से 14 वोल्ट के बीच में प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली पंप को ड्राइव करने के लिए है। इसके बाद इसी जो लाइट लगी हुई है, जो डॉक्टर्स जो उसके मुंह के लिए जो लाइट लगी हुई है उसको चलाने के लिए भी हमने एक 5 वोल्ट डीसी सप्लाई बनाई हुई है जो इस टॉर्च को जो है ड्राइव करेगी। कोरोना महामारी के दौर में टी बोर्ड की ओर से कांगड़ा चाय उद्योग से जुड़े लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता संजीवनी के तौर पर आई है। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में चाय उद्योग से जुड़े 1108 लोगों को 196.14 लाख रुपए की मदद मुहैया करवाई गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के चाय उत्पादकों, चाय बागानों, चाय उद्योगों, लघु चाय उत्पादकों व श्रमिकों को यह सहायता प्रदान की गई है। चाय उत्पादन से जुड़े अनुसूचित जाति के 60 तथा अनुसूचित जनजाति के 360 सहित कुल 440 लोगों को छोटे चाय बागानों व लघु उद्योगों के प्रबंधन व रखरखाव के लिए 125.5 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों चाय उत्पादकों के लिए काम कर रही पालमपुर की कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री को 33 लाख रुपए की मदद प्रदान की गई है। अक्षय तृतीया के दिन जहां बाजारों में काफी भीड़ रहती थी, वहीं गोल्डस्मिथ भी सोने चांदी का खूब कारोबार करते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने सब चौपट कर दिया है। शाहपुर में सोने चांदी का कारोबार करने वाले सुनील वर्मा के अनुसार इस दिन शाहपुर बाजार में ही 5 लाख से ज्यादा का कारोबार होता था तथा आने वाले दिनों के लिए भी लोग भारी मात्रा में ऑर्डर देते थे, परंतु इस बार वैश्विक महामारी के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पाया। वहीं लॉकडाउन के चलते उन्हें दुकान में सफाई आदि कार्य करने से ही संतुष्ट होना पड़ा। मैं सुनील वर्मा ज्वेलर्स शाहपुर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी को पता ही है कि आजकल जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसका यही इलाज है कि आप घर पे रहें, क्योंकि घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और घर में रह के स्वास्थ्य नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। और मैं एक बार फिर अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।